नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जवे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में धनतेरस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों ने पूछा है क्या क्या खरीदनी चाहिए वो भी दिखाऊंगी, और साथ में मूर्ति खरीदते वक्त जब आप लोग गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदिएगा तो किन किन बातों का ध्यान रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर चूल्हा खरीदते हैं तो किस बात का ध्यान रखनी है, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, देखिए अगर आप गणेश जी की प्रतिमा और माता लक्ष्मी की लेने जा रहे हैं और अगर आपके पास ऐसा संगमरमर का है मतलब मार्बल का, तो आपको जो है ना विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। ये तो हम मंदिर में सुंदरता के लिए भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति प्रतिमा रखते हैं तो इसको हम विसर्जन नहीं करते हैं। मिट्टी की मूर्ति है तब आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा, आप लोग पूछे थे, ठीक है। और अगर आपके पास धातु का है तो आप लोग पूछे हैं मतलब चांदी का है, तो दीदी हम टूट गई है मूर्ति तो क्या बदल सकते हैं, तो जी आप लोग बदल कर और नई मूर्ति ले सकते हैं, मतलब चांदी की या सोने का। अगर टूट गया है, खंडित हो गया, कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग धनतेरस के दिन 10 नवंबर को आप लोग, ये भी क्लियर हो गया कि अगर खंडित हो गई है मूर्ति धातु की तो आप लोग बदल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब आप पूजा कीजिएगा भगवान को, सामने से जब पूजा आप करते हैं तब आप ध्यान रखिएगा कि भगवान का जो सूंड है आपके दाहिने साइड होनी चाहिए, और सिर्फ गणेश जी को आप देख कर कीजिएगा तो उनके ये बाएं हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पूजा कर रहे हैं सामने से तो सूंड जो है दाहिने होना चाहिए, तो ये देख कर आप लोग लीजिएगा। अगर एक ही में लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा है, एक ही साथ रहती है कभी कभी, तो ऐसे तो कभी कभी सेपरेट भी रहता है तो लोग दो ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी साथ में ही रहते हैं जुड़े, तब आपको क्या ध्यान रखनी है कि कभी भी पुरुष के ना दाहिने तरफ महिलाएं होनी चाहिए, तो देवियां होनी चाहिए। गणेश जी के दाहिने तरफ जो है लक्ष्मी जी की अगर प्रतिमा है तभी लीजिएगा, नहीं तो आप लोग मत लीजिएगा। अगर बाएं तरफ है तो जब आप गणेश जी को केवल लेकर चलेंगे मतलब देखेंगे तो दाहिने तरफ अगर लक्ष्मी जी हैं तब आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान से बातों को समझिएगा, जब आप सामने से पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी जो है आपके बाएं दिखेंगी, लेकिन गणेश जी के वो दाहिने होनी चाहिए, तब आप लोग जो है लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा जब एक में है। कभी कभी बनाने वाले भी गलती करते हैं तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर धनतेरस के दिन ही आप लोग लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा अगर खरीदना चाहते हैं तो आप लोग खरीद लीजिएगा, इसलिए मैं दिखाकर आपको समझा रही हूँ। तो कभी भी आप जब आप पूजा कर रहे हैं, देखिए बार बार समझा रही हूँ, तो लक्ष्मी जी बाएं होनी चाहिए लेकिन गणेश जी के दाहिने वो रहेंगी। अगली चीज क्या है, सूंड के लिए भी बता दी कि जब आप पूजा करेंगे तो सूंड जो है दाहिने होना चाहिए और गणेश जी के ये सूंड जो है बाएं है, तो इस बात का मेरी बातों को एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगली चीज क्या है कि जब आप लोग मूर्ति खरीदिएगा तो ध्यान रखिएगा कि मूर्ति खड़ी ना लें, क्योंकि वो मूर्ति जो है ना सालों भर खड़ा ही रह जाती है, तो बैठे हुए स्वरूप में आप लोग मूर्ति खरीदिएगा। जब भगवान विराजमान है नीचे, जैसे कमल पे लक्ष्मी जी बैठी है, गणेश जी आसन पे विराजमान है, वही मूर्ति हमें लेनी चाहिए कि गणेश जी जैसे बैठे हैं नीचे, इस प्रकार के इस आसन में आपको मूर्ति लेनी चाहिए, खड़ा मूर्ति कभी ना ले। तो मूर्ति के लिए भी नियम बता दी, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और एक छोटी सी लाइक जरूर कीजिएगा, जो भी मेहनत करते हैं ना उससे हमें बहुत अधिक हिम्मत और ताकत मिलती है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, अगर आप लोग चाहें, ऐसे मैं पहला वीडियो डाल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि हमें क्या क्या खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन, तो कुछ चीज़ें नहीं दिखाई थी, तो आप चाहें तो शंख भी खरीद सकते हैं। और धनतेरस का टाइमिंग क्या है वो मैं पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ, आप 10 तारीख को भी खरीदारी कर सकते हैं और 11 नवंबर को भी खरीदारी कर सकते हैं दोपहर तक, तो आप लोग शंख भी खरीद सकते हैं। आप चलिए अगली चीज़ देख लेते हैं कि हमें क्या खरीदनी है। अगर आप लोग चूल्हा लेने के लिए, ओवन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको समझा दूं, देखिए आज ही मैं धोई हूं इसको,
तो आप लोग क्या कीजिएगा, फोर बर्नर का आप लोग चूल्हा लीजिएगा। कभी भी तीन बर्नर या जो है आप चाहे तो दो बर्नर का ले सकते हैं, लेकिन आप जो है तीन बर्नर का कभी चूल्हा मत लीजिएगा, क्योंकि शुभ नहीं होता। और जिनके पास है उनके लिए तो मैं नियम बताई हूँ उपाय, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा अगर नया चूल्हा आपको लेना है तो आप लोग जो है फोर बर्नर का ही लीजिएगा, अगर बड़ा लेना है तो, नहीं तो आप दो का ही ले, तीन का कभी मत लीजिएगा। तीन संख्या को हमारे हिंदू धर्म में सही नहीं माना गया है हर जगह, तो आप लोग बाकी आप लोगों की मर्जी है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप लोग चूल्हा खरीद कर लाइएगा तो इसके ऊपर कुछ भी मीठा बनाकर ही आपको शुरुआत करनी है, कुछ भी नमकीन ना बनाए, तीखा ना बनाए, आप लोग मीठा ही बनाइएगा। और जो मैं बताई हूँ इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, दो का ले या चार का ले, लेकिन आप लोग गलती ना करें, तीन का ना ले। और जो भी चीजें आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं उसको इस्तेमाल नहीं करनी है, न पूजा करनी है, उसको हम दिवाली के दिन पहले पूजा करेंगे, उसके बाद ही हम उसके ऊपर कुछ भी बनाएंगे। और अगली चीज क्या है कि कभी भी नया चूल्हा आप इस्तेमाल के लिए निकालते हैं तो रविवार और मंगलवार के दिन नया चूल्हा का इस्तेमाल ना करें, मतलब शुरुआत ना करें, और मीठा से ही करें। अब चलिए अगली चीज क्या है तो देखिए, अगली चीज क्या है, आप लोग पूछे हैं दीदी इंडक्शन चूल्हा क्या ले सकते हैं, क्योंकि हम लेने का सोच रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप बोली है कि नहीं लेने के लिए, तो जी नहीं आप ले सकते हैं। अगर आप इंडक्शन चूल्हा भी ले रहे हैं तो क्या हुआ, साथ में कुछ बर्तन वगैरह जरूर आप लोग ले लीजिएगा, एक चम्मच या कटोरी कुछ भी ले लीजिएगा, तब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया। और अगली चीज क्या है दोस्तों, तो देखिए मैं धनतेरस के लिए क्या क्या शॉपिंग की हूँ आपको मैं दिखा रही हूँ। तो मैं सोची कि धनतेरस के दिन ही आएगा, लेकिन ये पहले ही आ गया, ऑनलाइन मंगाई थी शॉपर स्टॉप से, आप लोग को मालूम ही है। तो देखिए ये स्पाइस किट मंगाई थी, थोड़ा छोटा साइज आ गया है, लेकिन देखने में बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा है, मजबूत है, सुंदर है, लेकिन बहुत बड़ा साइज तो नहीं दिया, छोटा ही दिया है, लेकिन मैं फिर वापस नहीं की, बोली चलो ठीक है जो दिया है ठीक ही है, कौन रिटर्न करने जाए, तो ये मंगाई हूँ, क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक का था लॉक एंड लॉक का। और ये एक मंगाई हूँ बड़ा सा पतीला जैसा, आप लोग देखिए कौन से कंपनी का है, देखिए ये वंडर सेफ का है और ये एनोडाइज्ड है, 5 लीटर का है दोस्तों। तो यही मंगाई थी क्योंकि थोड़ा बड़ा बर्तन रहता है ना खीर वगैरह बनाने में, पूजा पाठ में सही होता है। तो ये तो धनतेरस के दिन देने के लिए बोला था, लेकिन आप लोग को मालूम है ना कि ऑनलाइन चीज़ें कभी जल्दी भी आ जाती हैं और कभी देर हो जाता है, तो पहले ही दे गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको रखी हूँ कि इसको पूजा करूँगी दिवाली के दिन। और इसमें कभी भी जैसे आप लोग भी कोई नया बर्तन नया चूल्हा इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसको जरूर इसमें कुछ मीठा आप लोग जरूर बना लीजिएगा। तो देखिए कैसा है आप लोग जरूर बताइएगा। और ये 5 लीटर का है, इसका बॉटम जो है इंडक्शन पे भी ये काम करेगा और एनोडाइज्ड है, जिस चीज का कुकर रहता है वही है, आप लोग को तो मालूम ही होगा। और 5 लीटर का है, बड़ा है, तो इसमें खीर वगैरह या कोई भी चीज आप जो है बिरयानी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो कैसा लगा जरूर आप लोग बताइएगा मेरी धनतेरस की शॉपिंग। ऐसे धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदनी है और दिया वगैरह खरीदनी है, मिट्टी की चीजें आप लोग पहले ही खरीद लीजिएगा, मैं बता चुकी हूँ। और ये अब आ गया है पहले ही, लेकिन चम्मच वगैरह कटोरी तो धनतेरस के दिन खरीदूंगी। और ऐसे तो बहुत ज्यादा भीड़ रहेगा मार्केट में, तो ये ऑनलाइन मंगाई थी कि आ जाएगा, लेकिन ये बहुत पहले ही दे दिया। तो कैसा लगा जरूर आप लोग मुझे बताइएगा। जो है संजीव कपूर का फोटो दिया हुआ था, तो इसी से विश्वास से ली हूँ, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर है, भारी है, अच्छा है। तो अगर आप लोग चाहें तो देखिए, और ये मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, घर के लिए मंगाई थी तो सोची आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि जो भी खरीदती हूँ अपनी बहनों के साथ मैं जरूर शेयर करती हूँ। ये तो छोटा सा क्यूट सा बहुत ही सुंदर है, लेकिन साइज थोड़ा सा छोटा दे दिया, फोटो में इसका अलग ही मतलब साइज बताया था डायमेंशन इसका, लेकिन अभी ये छोटा दे दिया है, तो फिर भी ठीक है, काम चलने लायक है। और आप लोग पूछेंगे दीदी जो कुछ भी खरीदेंगे क्या वो धनतेरस के दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, पूजा में चढ़ा सकते हैं, तो जी नहीं, जो भी बर्तन वगैरह आप धनतेरस के दिन या गहना या जो भी खरीदते हैं ना, वो भगवान को आप दिवाली के दिन रविवार के दिन 12 तारीख को दिवाली है 12 नवंबर को, उस दिन आप लोग चढ़ा दीजिएगा, इसमें खोई बतासा लड्डू ये सब चीज़ें डाल दीजिएगा, और उसके बाद से आप लोग जो है
इस्तेमाल कीजिएगा। और अगला देखिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत अधिक डाउट है, एक मैं वीडियो में बोली थी फिर भी मैं क्लियर की हूँ, पीछे से एक वीडियो डाली थी उसमें बताई हूँ, तो भी आप लोग कई ऐसी मेरी बहने हैं पूछ रही हैं कि दीदी नमक जो है दिवाली के पहले फेंकेंगे या दिवाली के बाद फेंकेंगे। तो देखिए आपको अभी फिर इस वीडियो में मैं क्लियर कर देती हूँ, नमक हमेशा ना थोड़ा सा इस्तेमाल के लिए सेपरेट रखनी चाहिए, सीसी बॉटल या बर्नी जो भी देख लीजिए, और जितने नमक आपके घर में 1 kg 1/2 kg रहते ना सेपरेट किसी बड़े डब्बे में रखनी चाहिए, और इस्तेमाल के लिए हमेशा कम रखे क्योंकि हम लोग इसको बदल सकते हैं किसी भी पूजा पाठ में। तो आपको क्या ध्यान रखनी है, ये नमक दिवाली तक आपको इस्तेमाल करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बातों को पहले समझिएगा ध्यान से, दिवाली तक इस नमक को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली के अगले दिन इस नमक को हम फेंकेंगे, जब हम अपने घर से दरिद्र को निकालेंगे उस दिन, मतलब 13 तारीख को इस नमक को, इस बर्नी को हमें धो लेनी है और दरिद्र वाला नमक जो है हमें फेंक देनी है, उसके बाद नया नमक इसमें हमें भर लेनी है, लेकिन दिवाली तक हमें नहीं फेंकनी है। ये भी क्लियर हो गया, अब आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा, तो ये भी हो गया ठीक है। और अगला आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी हम जो है चांदी का पायल, चांदी का बिछुआ धनतेरस के दिन क्या ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। और आप लोगों ने पूछा है कि टूटा हुआ बिछुआ, टूटा हुआ पायल दीदी क्या हम बदल सकते हैं? तो जी नहीं, आप उस दिन कोशिश कीजिएगा, ऐसे तो धनतेरस के दिन बहुत अधिक भीड़ रहते हैं बाजारों में, तो आप लोग एक तो कोशिश कीजिएगा कि धनतेरस के दिन भगवान की मूर्ति छोड़कर, मान लीजिए मूर्ति खंडित हो गई है, मूर्ति तो बिना बेचे काम नहीं चलेगा, उसको तो बेचकर नया लेना ही पड़ेगा, लेकिन पायल बिछुआ किसी भी प्रकार की ज्वेलरी वगैरह धनतेरस के दिन बेचे नहीं, उल्टे आपको खरीद कर लानी चाहिए, आपको बेचनी नहीं चाहिए, इसको खरीदनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि हम इसको बेचें और फिर नया लें, तो दूसरा दिन आप चयन करें बेचने के लिए, लेकिन आप लोग जो है उस दिन खरीदारी कीजिए, बेचिएगा मत, लेकिन मूर्ति है कि मजबूरी है, मूर्ति को बेचना ही है, क्योंकि वो खंडित मूर्ति हम घर में नहीं रख सकते हैं, तो आप बदल कर नई मूर्ति ला सकते हैं, लेकिन कोई ज्वेलरी वगैरह आपका है तो उस दिन आप लोग ना बेचें, नया खरीद कर लाने की कोशिश करें, बेचने के लिए दूसरे दिन पर आप लोग बेचकर बदल कर ला सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई, तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आता है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।